हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ सेलेन ऑक्साइड। ठीक है, इसके पहले हमने सल्फर ऑक्साइड का पायरोलिटिक एलिमिनेशन देखा है। तो ये जो सेलेन ऑक्साइड है, ये भी क्या है, सेम सल्फर ऑक्साइड की तरह ही क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देता है। ठीक है, एंड दिस पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक है, ये किसके लिए की जाती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो हम सेलेन ऑक्साइड का देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, सो CH3O सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच टू आर, और इस सी एच पर क्या लगा होता है हमारा AcPH। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस सेलेनियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेन ऑक्साइड। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेन ऑक्साइड। ओके, सो अब इस सेलेन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, जब हीट करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये जो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3O। ठीक है, CH3O सी डबल बॉन्ड ओ सी एच डबल बॉन्ड। ठीक है, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच और आर। ओके, सो दिस इज दी अल्फा कार्बन, दिस इज दी बीटा कार्बन, सो दिस इज दी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, प्लस में हमें क्या मिलेगा, जब ये पूरा पार्ट ऐसे रिमूव हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ओ एच ए सी पी एच। ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक जो हाइड्रोजन जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्या होती है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है, किसमें, सेलेन ऑक्साइड में। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। सो गाइस, मैकेनिज्म में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन, ठीक है, इन दिस रिएक्शन जो हमारा ए सी ओ नेगेटिव, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, सो दिस पार्ट एक्ट एज अ बेस। ठीक है, ये जो पार्ट है वो क्या करता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है, विच एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट, विच एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, और यही क्या करता है, जो बीटा हाइड्रोजन होता है उसको क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अगेन अगर हम एक पॉइंट देखें मैकेनिज्म में, तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉन्सर्टेड। ओके, एंड ऑकर्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब जब हमारा क्या होता है, यहाँ पर एलिमिनेशन होता है, तो ये एलिमिनेशन कैसे होता है, बाय फॉर्मिंग द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो आगे देखेंगे कि ये जो हमारा सेलेनॉक्साइड है, ठीक है, पीएच एस ई ओ नेगेटिव, ओके, यहाँ पर हमारा सी एच एक एच हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला ये जो ग्रुप है ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है। वो क्या करेगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर लेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, फॉर्म होगा, दैट इज पीएच एसी पॉजिटिव। ठीक है, हमारा सी एच यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर हमारा आर, ये हमारा एच। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन निगेटिव, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक, इधर सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे और सी एच थ्री। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी, दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। ओके, और फिर क्या होगा, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है गाइस, प्लस में क्या निकलेगा, यहाँ से ये पीएच ये सी और ये जो बेस है, ठीक है, वो क्या कर लेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा, कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, दैट इज पीएच ए सी ओ एच। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है किसका, सेलेन ऑक्साइड का। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलेन ऑक्साइड। किसका स्ट्रक्चर है, सेलेन ऑक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट पायरोलिटिक एलिमिनेशन ऑफ सेलेन ऑक्साइड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।